दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप सूखे हुए फूल का इस्तेमाल करके अपने पौधों में कैसे फूल ला सकते हो। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्ते मुड़ जा रहे हैं, ग्रीन है फिर भी मुड़ जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या डालोगे, कौन सा फूल सुखाकर डालोगे, कौन है वो रामबाण फूल जो बहुत अनोखा है और उसको सुखाकर हम लोग अपने प्लांट में उसका उपयोग कर सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में अपने प्लांट में फूल ले सकते। तो दोस्तों सारा कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो ये अपराजिता का पौधा, इसमें बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं और पत्ते बिल्कुल सिकुड़े हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और कुछ कुछ पत्तियाँ पीली है और इसमें बीज भी नहीं बढ़ रही है जिससे हम लोग नया प्लांट उगा सके उस बीज को सुखा कर। इस प्लांट को देखने से लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हुआ है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी जो मेरा अपराजिता के प्लांट में हो रहा है, अगर ये सारे चीज़ अगर आपके कोई अदर प्लांट में हो रहा है जैसे गुड़हल का पौधा, गुलाब का पौधा या फिर कोई अदर पौधा में ये सारी बीमारी हो रही है तो आप कैसे ठीक करोगे वो भी बताऊंगी। लेकिन खास करके आज मैं आप लोगों को सारा चीज़ अपराजिता के प्लांट बताऊंगी क्योंकि अपराजिता का सीज़न आ रहा है, बदल चुका है मौसम, गर्मी के सीज़न में अपराजिता के प्लांट में अधिक से अधिक मात्रा में फूल उगते हैं। तो कैसे हम लोगों को अपराजिता प्लांट का केयर करना है और कैसे हम लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में फूल लेना है और जो फूल है बहुत अच्छी तरीके से उभर कर आए, जैसे उसका साइज अच्छा रहे, कलर उभर कर आए, सारी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी अपराजिता के प्लांट के बारे में क्योंकि इसका सीज़न आ गया है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं कौन सा वो रामबाण फूल है जिसको हम लोग सुखा कर उसका पाउडर बनाकर अपने प्लांट में उपयोग करेंगे तो हम लोगों को दो दिन में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर पत्ते पीले पड़ रहे होंगे, फूल नहीं आ रहे होंगे तो वो सारा चीज़ को ठीक कर देगा, फूल आने लगेंगे। कौन सा वो रामबाण फूल है अब बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वो रामबाण फूल है हिबिस्कस का फूल यानी कि गुड़हल का फूल। जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर 3-4 ली हूँ गुड़हल का फूल, अच्छी तरीके से उसको सुखा दी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और आप कोई भी प्रजाति का गुड़हल का फूल ले सकते हो और कोई भी कलर का आप गुड़हल का फूल ले सकते हो। मैं यहाँ पर 4 सूखा हुआ फूल ली हूँ क्योंकि मैं एक प्लांट में करूँगी। अगर आपको 2-3 प्लांट में करना है तो आप ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हो, 2 गुना बढ़ा सकते हो, 3 गुना आप कर सकते हो। लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को कट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। लेकिन और बात रहे वो फूल मत लेना जिसमें मिलीबग का अटैक हुआ हो क्योंकि खास करके मिलीबग का अटैक होता है गुड़हल के प्लांट में। और अच्छी तरीके से आप लोगों को सीजर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है, चाहे तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सर ग्राइंडर में, लेकिन मैं इसको कट ही कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। और जो ग्रीन वाला पार्ट रहता है ना, कली टाइप का, जो कली के नीचे रहता है, जो फूल के नीचे रहता है जैसे कि आप देख सकते होंगे, मैं उसको भी कट कर दूं तो आप लोगों को उसको भी कट कर देना। और जरूरी नहीं कि मैं अपने अपराजिता के प्लांट में इस फूल को उपयोग कर रही हूं सुखाकर, तो आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ अपराजिता के प्लांट में करना है। आप सभी पौधे में कर सकते हो जिसमें फूल नहीं आ रहे होंगे और पत्तियां पीली पड़ रही होगी। तो मैं आप अच्छे तरीके से कट कर ली हूं दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो। हो सकता है आपके मन में एक सवाल उठ रहे होंगे, क्यों मैं यहाँ पर गुड़हल का फूल ही सुखाकर क्यों उपयोग कर रही हूँ। मैं यहाँ पर गुड़हल का फूल सुखाकर इसलिए उपयोग कर रही हूँ क्योंकि गुड़हल के फूल में ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दूसरों पौधे के फूल को उगाने के लिए बहुत मदद करता है, इसलिए मैं यहाँ पर गुड़हल का फूल ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गुड़हल के फूल में पाए जाते हैं पोटाशियम, कैल्शियम, न्यूट्रिशन और विटामिन डी पाए जाते हैं, इसलिए मैं गुड़हल का फूल का ही सुखाकर उपयोग कर रही हूँ। तो यूज़ कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आपकी प्लांट की पत्तियाँ पीली होगी तो सबसे पहले वो सब को हटाना, उसके बाद आप लोगों को मिट्टी की कोड़ाई करनी है। मेरे प्लांट की पत्तियाँ जो भी पीली थी सबसे पहले मैं उसको हटा ली थी, रिकॉर्ड नहीं हो पाया है बट मैं आपको पहले बता दी पत्तियाँ पीली होगी तो सबसे पहले आप लोग वो सब को हटाना है। और आप लोगों को उपयोग करने के लिए सबसे पहले मिट्टी की कोड़ाई करनी है 2 इंच तक। और जब भी आप दोस्तों सूखा हुआ फूल का इस्तेमाल करें आपका मिट्टी पूरा सूखा रहना चाहिए, अगर मिट्टी में नमी है पानी है तो पहले सूखने दें फिर आप लोग उपयोग करें। और हाँ, जब आप कोड़ाई कर लोगे तो जो मिट्टी है अच्छी तरीके से वो हिल जाएगी, तो आप लोगों को मिट्टी को जड़ के क्लोज ले आना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं मिट्टी को जड़ के क्लोज ले जा रही हूँ, स्टेम के पास ले जा रही हूँ ताकि साइड में एक हम लोगों का गड्ढा सा लेयर बन जाए जिसमें हम लोग अपना फूल का इस्तेमाल करें। और उसके ऊपर भी हम लोग कुछ कुछ चीज़ें डालनी है फूल के अलावा, सब वीडियो में आपको पता चलते रहेगा, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ पर अपना
फूल को अच्छे तरीके से कट कर ली थी, कोड़ाई कर ली हूँ मिट्टी को। अब मैं यहाँ पर इसको उपयोग कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अच्छी तरीके से मैं डाल रही हूँ। मेरा है 6 इंच का पॉट, तो 6 इंच के पॉट के हिसाब से मैं अपना 4 फूल का इस्तेमाल की हूँ। 4 फूल को पहले अच्छी तरीके से कट की थी और अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। डालने के बाद आप लोगों को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को आगे ये भी बताऊँगी, हम लोग ये कार्य तो मिट्टी में कर रहे हैं जिससे फूल बहुत अच्छी तरीके से आएगा, लेकिन वो फंगस का क्या, इनसाइड का जो कि हमारे पत्ते में लग जाते थे, वो भी मैं आप लोगों को आज ही की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें, सभी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आप जब अच्छे तरीके से मिट्टी मिला दोगे सूखा हुआ फूल को, उसके बाद आप लोगों को गोबर खाद का यूज़ करना है। चाहे तो आप गोबर खाद ले सकते हो, फिर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, या फिर आप कोको पीट ले सकते हो। तो हमें गोबर खाद का इस्तेमाल करें दोस्तों। आप लोगों को इतना डालना है जिससे हम लोगों को फूल ना दिखे और वो हम लोग गोबर खाद के अंदर है, क्योंकि फूल दिखेंगे तो हवा आता है तो फूल उड़ जाता है क्योंकि वो सूखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे गोबर खाद का इस्तेमाल करिए। और गोबर खाद का इस्तेमाल से क्या, वो अच्छे तरीके से हमारा फूल है मिट्टी में अच्छे तरीके से डिकम्पोज होगा। तो मैं यहाँ पर गोबर खाद का 2 मुट्ठी का यूज़ की हूँ अपने 6 इंच के पॉट में। अगर आपका 12 इंच का पॉट होगा तो जितनी भी मैं यहाँ पे फूल की क्वांटिटी ली हूँ और फिर गोबर खाद की क्वांटिटी ली हूँ, तो आप उसका 2 गुना कर सकते हो। अगर छोटी हो तो आप कम भी कर सकते हो। जब अच्छे तरीके से आप गोबर खाद डाल दोगे, उसके बाद आप लोगों को झरने की मात्रा में आप लोगों को पानी देना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं भी यहाँ पर दे रही हूँ। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग ये कार्य कितने दिन में करना है। तो ये कार्य को आप लोगों को हफ्ते में एक बार करना है। सभी प्लांट में आप कर सकते हो जो मैं आप लोग कार्य करके दिखाई हूँ। मैं यहाँ पर अपराजिता के प्लांट में इसलिए की हूँ दोस्तों, क्योंकि अपराजिता का सीज़न आने वाला है और मेरे अपराजिता के प्लांट में फूल भी नहीं आ रहे थे। अगर आप ये आज कार्य की हो तो 3 दिन में आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाता है। आपकी जो पत्तियाँ पीली है उसको ग्रीन करने लगेगी और न्यू लीफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, पौधे में ग्रोथ आने लगेगी और फूल भी अच्छे तरीके से बनने लगेगी। तो ज़रूर करें आप ये कार्य अपराजिता के प्लांट में, खास करके करना क्योंकि उसका सीज़न अब आ चुका है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फंगस के बारे में। पत्तियाँ में अक्सर इंसेक्ट और फंगस का अटैक होता ही होता है, जैसे मिली बग, भुआ पिलोज को हटाने के लिए क्या कार्य करना है वो मैं आप लोगों को अब बताती हूँ। कोई भी कारण मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि कल ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताई हूँ कैसे आप कॉयल का यूज़ करके फंगस और इंसेक्ट को अपने प्लांट से हटा सकते हो। अगर आपके प्लांट पे इंसेक्ट और फंगस है तो वो हट जाता है और दोबारा बैठता भी नहीं है, ना तो फंगस बैठेगा और ना ही कोई भी मिली बग या फिर भुआ पोली आपके प्लांट पर बैठेगा। तो कैसे हम लोगों को फंगस को हटाने के लिए, इंसेक्ट को हटाने के लिए कॉयल का यूज़ करना है, सभी जानकारी मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में दी हूँ। तो ज़रूर जाकर ये वाली वीडियो को वॉच करना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताई थी। हो सकता है आप लोग कुछ सोच रहे होंगे या फिर आपके मन में कोई सवाल उठ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको पहले बताई थी कि सारा कुछ मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी अपराजिता के प्लांट के बारे में, कैसे केयर करना है अपराजिता के, क्योंकि अभी सही समय है केयर करने का जिससे हमारे प्लांट में अधिक से अधिक मात्रा में फूल आए अपराजिता के प्लांट में। तो केयर मैं आप लोगों को पूरा बताई हूँ दोस्तों, क्योंकि मिट्टी का केयर तो मैं आप लोगों को बता दी, कैसे आप फूलोगे अधिक से अधिक मात्रा में। अब बात कर रहे थे फंगस का, तो फंगस को अगर आपको हटाना है तो प्रीवियस वीडियो जाकर वॉच करो, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताई हूँ, रिजल्ट अमेजिंग तरीके से आप लोगों को देगा। वो कार्यों को आप सभी पौधों में कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो वॉच करने के लिए बोली हूँ। अगर मेरे प्लांट में फंगस रहता तो मैं कॉयल का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे भी फंगस हट जाता। तो चलिए मैं आप लोग फंगस के बारे में बता दें कैसे आप लोगों को फंगस को हटाना है, प्रीवियस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फंगस के बारे में बता दी, पत्तियों के बारे में बता दी कि पत्तियों से कैसे फंगस को हटाना है, मिट्टी के बारे बता दी जैसे कैसे हम लोग प्रोटीन मिलेगा अधिक से अधिक मात्रा में, हम लोग प्लांट में कैसे फूल आएंगे, सारा कुछ तो मैं आप लोगों को बता दी। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो एंड तक वीडियो आप लोगों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरीके समझ में आई होगी। तो समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना प्यारा सा, एंड मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।